brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. रुचि भी रुचि नहीं पहुंची अभी तक, ना वो आई ना उनका कोई फोन आया मेरे पास, हो सकता है कल आ जाए। अब देर तो बहुत हो गई, अब जवाब में दिन ही कितने रह गए। ईगो लगता है ना सांसद जी फिर की, ईगो ही है जिस तरीके से वो नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, देखिए चुनाव सर झुका के रहा जाता है जमीन पे देखते हुए, घमंड से या ईगो से चुनाव नहीं लड़े। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही वक्त रह गया है और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी रस्साकशी कसकर शुरू कर दी है। तमाम पार्टियों ने अपना अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में सभी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर वोट मांगने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचेंगे। रविवार यानी आज मुरादाबाद पहुंच रहे अखिलेश यादव अपनी प्रत्याशी रुचि वीरा के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे। ये वही रुचि वीरा है जिन्हें टिकट एसटी हसन का टिकट काट कर मिला है और एसटी हसन रुचि वीरा आजम खान इन सब को लेकर समाजवादी पार्टी में जो द्वंद चला वो किसी से छुपा नहीं है। एसटी हसन अपने टिकट कटने के बाद साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में रुचि वीरा के लिए प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। वहीं अब जब अखिलेश यादव मुरादाबाद आ रहे हैं तो ऐसे में एसटी हसन से जब सवाल पूछा गया कि अगर आपको अखिलेश यादव बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे, इस पर एसटी हसन ने साफ कह दिया कि उनके आने के बाद मुझे मीडिया और अखबारों से पता चली है, अगर अखिलेश यादव मुझे बुलाते हैं या मेरे घर आते हैं तो मेरी मजबूरी है कि उनके साथ जाऊंगा क्योंकि मेरी तहजीब ऐसा कहती है। मैं अखिलेश यादव के लिए सम्मान जरूर दिखाऊंगा लेकिन प्रचार करने नहीं जाऊंगा। लोग दुखी हैं, अगर मैं प्रचार करूंगा तो वो मेरे खिलाफ होंगे। आपके माध्यम से अखबारों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि वो तशरीफ ला रहे हैं, तो शामिल होंगे। अगर अखिलेश यादव जी मुझे बुलाते हैं, फोन करते हैं या मेरे घर आते हैं तो जाहिर है मेरी तहजीब मुझे मजबूर करेगी कि मैं उनके साथ जाऊं। और मेरे नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनसे प्यार करता हूं। अभी तक उन्होंने नहीं बोला कन्विंसिंग करने के लिए रुचि वीरा के लिए? नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं कहा। कल आएंगे मंच पे बुलाएंगे रुचि वीरा भी, ओबीसी होंगे प्रत्याशी, आप भी मंच पे होंगे। मैं अखिलेश जी के सम्मान में जा सकता हूँ, प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या मैसेज मानेगी जनता, मंच से आप भी खड़े होंगे रुचि वीरा भी अखिलेश जी भी? जनता को सब मालूम है क्योंकि जनता खुद दुखी है। अगर मैं प्रचार में खड़ा हो जाता हूं तो वो सारी जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी जो मेरी वजह से दुखी है, जो मेरी वजह से आज कंफ्यूज है क्या करें। रुचि वीरा जी नहीं पहुंची अभी तक, ना वो आई ना उनका कोई फोन आया मेरे पास, हो सकता है कल आ जाए। अब देर तो बहुत हो गई, अब चुनाव में दिन ही कितने रह गए। ईगो लगता है ना सांसद जी फिर की, ईगो ही है जिस तरीके से वो नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, देखिए चुनाव सर झुका के रहा जाता है जमीन पे देखते हुए, घमंड से या ईगो से चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता सब देख रही है और चुनाव में जनता बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है एक चीज को, फिर फैसले लेती। मुरादाबाद को लेकर समाजवादी पार्टी में अंदर खाने क्या चला है किसी से छुपा नहीं है। अब देखना होगा कि एसटी हसन का टिकट काट कर जो रुचि वीरा को टिकट दिया गया है क्या वो समाजवादी पार्टी का सही फैसला होता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।